अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशपाश होंगे। तो आज मैं आप सबको अपने साथ जो है तारिक रोड लेके जा रही हूँ। वैसे तो मैं तारिक रोड आई थिंक एक से दो दिन पहले गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लॉग अपना शूट किया था। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं वहाँ करने क्या जा रही हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ गई थी, उसने थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग करनी थी, कुछ वेस्टर्न कपड़े लेने थे, तो सोचा कि वाई नॉट आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली कराची में रहते हुए तारिक रोड पहली बार गई हूँ, डॉलमेन मॉल यहाँ के पहली बार गई हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे घूम के, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत वैरायटी है हर चीज़ की, चाहे वो वेस्टर्न हो ईस्टर्न हो, हर चीज़ में मुझे बहुत वैरायटी नज़र आई। तो ये वो शॉप है जहाँ से हम लोगों ने जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, और रेट भी मुझे ऐसे कुछ मैं कहूँगी नहीं कि महंगे थे, आज के हिसाब से रीज़नेबल ही लगी मुझे ये जगह वेस्टर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को भी थोड़ा सा दिखाया जाए। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ से सबसे ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर क्या प्रेफर करते हैं अपने लिए अच्छी चीज़। हम जो है शायद घर की तरफ रवाना हो रहे हैं क्योंकि ले लिया जिस मकसद के तहत हम आए। अच्छा वैसे तो हम घर की तरफ रवाना नहीं हुए थे, हमने सोचा है कि चलो अब आए ही हैं तो थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं। यहाँ पे मैं जहाँ तक नोटिस किया है जो कराची में इतने सारे आउटलेट्स हैं, बट यहाँ पे जो मैंने आउटलेट पे चीज़ें देखी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। सैफायर है, और मुझे सैफायर में बहुत मज़े के कपड़े नज़र आए एम्ब्रॉयडरी वाले। तो सोचा चलो जब अपनी शादी होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ से शॉपिंग करूँगी। उसके बाद खैर फिर हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो सोचा कि क्यों ना फूड कोर्ट वगैरह जाया जाए, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया जाए। तो फिर हम लोग जो है फूड कोर्ट आ गए थे, और यहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी कैपेचिनो। वैसे तो मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट मैंने पी ली थी। और फिर थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम लोग सईद खानी पे गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी सी एक ना लुबान की खुशबू आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो लुबान लेते हैं। तो फिर वहाँ से हमने सईद खानी से एक लुबान लिया जिसकी खुशबू बहुत मज़े की है, लुबान घर में चलाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद खैर हम घर की तरफ रवाना हुए। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।